अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब अल्लाह के करम से ठीक होंगे। ये बेबी बॉय कुर्ता है, तकरीबन 1.5 साल के बच्चे का है। ये इसके साथ पजामे हैं। कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक लेंगे, ये फोल्ड करके रखा है मैंने, 4 फोल्ड है। आप अपने बच्चे के हिसाब से लेंथ एंड विड्थ ले लीजिएगा। शोल्डर की भी मार्किंग करेंगे, 4 इंच लिया मैंने। आर्म होल 5 इंच है, मार्क कर लेंगे। इस तरह बॉक्स बना लेंगे इसका। अब इसकी गुलाई कर लेंगे। ये शोल्डर ऊपर से तिरछा कटिंग करने के लिए मार्क करेंगे। नेक फ्रंट 2 इंच लिया मैंने। इसकी लेंथ भी 2 इंच है। इसका भी बॉक्स बना लेंगे। और फिर इसकी गुलाई करेंगे। ये पीछे का गला है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये 1 इंच बैक गला है। आर्म होल फ्रंट से थोड़ा सा कटिंग करेंगे। ये चौक तक इसके कट लगा लेंगे। ये पट्टी है, पट्टी से थोड़ा सा कम रखेंगे कट को। बाजू की कटिंग करेंगे। दोनों बाजुओं के फ्रंट भी थोड़े से कटिंग करेंगे शोल्डर से। बटन पट्टी बनाने से पहले ही जो भी डिज़ाइनिंग करनी होगी वो हम पहले कर लेंगे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैं मार्क करूँगी। मार्किंग हमने कर ली है। अब ये रेशमी नलकी जो है इससे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, इसे फिरकी में डालेंगे। ये डबल सिलाइयाँ लगाई हैं, एक सिलाई नीचे ले जाके उसी को टर्न करके पीछे की तरफ लगाया है। ये हम लगाएंगे पट्टी। पट्टी को मैंने प्रेस कर ली है और साइड की सिलाई भी लगा ली है।
इस तरह से हम इसे लगाएंगे। ऊपर वाली पट्टी जो है उसको नीचे से कट लगाएंगे और नीचे वाली पट्टी जो है इसको ऊपर से कट लगाएंगे ताकि हमारी बटन पट्टी आसानी से लग सके। इस तरह से ये नीचे की पट्टी है, इसकी चेपी वाली साइड कटिंग करेंगे। ये पट्टी हमारी लग गई है। कुर्ते की बैक साइड लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम गले के लिए पट्टी को कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़ा लेंगे और तिरछा उसको कट करेंगे, तकरीबन हाफ इंच। इसे ऊपर की तरफ रख के सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी हमारी लग गई है। अब हम इसे तरपाई करेंगे। नेक हमारा तरपाई हो गई है। ये अब हम स्लीव्स को जोड़ेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बाजू भी हमारे लग गए हैं और मैंने दामन की सिलाई भी लगा ली है। इस तरह से फोल्ड करके साइड की बारीक की सिलाई और नीचे जो है हाफ इंच तकरीबन चौड़ी कुर्ते की साइड सिलाई करेंगे। इस तरह से कुर्ता हमारा सिलाई हो गया है। यहाँ से हम इसको बैक सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई खुले ना। ये हमारा कुर्ता तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।